अलवर की निजी सोसाइटी में बड़ी अनियमितता की शिकायत लगातार नगर निगम को मिल रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से सोसाइटी पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। शिकायत करने वाले युवकों का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी अलवर नगर विकास न्यास के अधिकारी बिल्डर पर कार्रवाई करने के बजाय उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग जो ना 5 का निर्माण करना चाहिए था, बिल्डर ने 2 का ही किया है और वो दोनों भी चालू हालत में नहीं है। और इसके अलावा जो ना यहाँ पार्किंग का जो ना मामला, वो ये है कि पार्किंग, एक पार्किंग को तीन तीन जगह बना के बेच दिया इन्होंने। सिंगल पार्किंग होनी है, उसकी जगह तीन तीन पार्किंग कर दी। गाड़ियां जो ना, तीन गाड़ियां खड़ी नहीं हो सकती, आपस में झगड़े फसाद होते हैं। और भी जो ना कई अनियमितता है, जो कंस्ट्रक्शन में भी कई अनियमितता है। रिसेप्शन और ऑफिस बनना चाहिए था, वहां 2 दुकानें बना दी। लगातार आवासीय कॉलोनियों में अनियमितता मिलने के बाद भी मौके पे जो अलवर यूआईटी से जुड़े अधिकारी पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो अनियमितताएं हैं वो मामूली है, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। मेरे पीछे देखिए किस तरह इस आवासीय जो वीरा गार्डन है, इससे जुड़ी हुई तमाम ये गंदगी इस खेत में जमा हो जाती है, जो पॉल्यूशन का बड़ा कारण है। और साथ ही अहम बात है कि यहाँ पर जो हार्वेस्टिंग के प्लांट बनाए गए हैं, उसमें एक भी हार्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ प्लांट सक्रिय नहीं है। उसके बावजूद भी स्थिति को लेकर जो यहाँ से जुड़े अधिकारी हैं, इनकी कार्यशैली बेहद चौंकाने वाली है। शिकायतकर्ता को मौके पे अधिकारियों के आगे जो यहाँ से जुड़े हुए बिल्डर हैं वो धमका रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार के नियमों की पालना सिर्फ दिखावा है, या इस तरह की शिकायतों पर कोई प्रभावशाली कार्रवाई भी होगी। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता।